हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट। तो अभी हम बात करने वाले हैं वताल जनमित सीसी और यहाँ पर सी साइड सीसी के बीच में होने वाले आज के दिन के आखिरी मैच के टूर्नामेंट का 9वां मैच है ये। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, वताल जनमित सीसी के 2 मैचेस हुए यहाँ पर, पहला मैच जो है यहाँ पर ड्रॉ हो गया इनका, मतलब पहला मैच रद्द हो गया। दूसरे में अगर यहाँ पर सी साइड सीसी की मैं बात करूँ तो आज के दिन में 2 मैचेस खेले इस टीम ने, दोनों के दोनों जीत कर आ रही है। उससे पहला ही मैच जीत कर आ रही है, 3 मैचेस कंप्लीट हुए, तीनों के तीनों जीत कर आई। वताल जनमित की अगर मैं बात करूं, यहां पर 2 मैचेस कंप्लीट हुए, दोनों के दोनों मैचेस जीते हैं इस टीम ने। दोनों की दोनों टीम बहुत तगड़ी है। यहाँ पर सी साइड सी सी के चेंजेस बहुत ज़्यादा हुए हैं अभी रिसेंट की जो इनकी प्लेइंग 11 आई है। तो अपडेटेड टीम के लिए आपको कहाँ जुड़ना है, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना है। आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे, वहीं पर आपको अपडेटेड टीम सारी की सारी मिलेंगी। यहां पर वैसे लगभग सारे मैचेस मैं कवर करता हूं जितने भी मतलब हो रहे हैं। अभी फिनिश प्रीमियर लीग हम कवर नहीं कर रहे हैं, थोड़े दिन बाद ये भी कवर कर लेंगे, मतलब कल परसों से ये भी कवर हम करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर यह पूरी की पूरी टीम अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। 9वां मैच है टूर्नामेंट का, खेला जाएगा यहाँ पर वताल जनमित सीसी और सी साइड सीसी के बीच में गोटेनबर्ग में ये मैच होने वाला है। 9:30 बजे हमें इंडियन टाइमिंग के हिसाब से लाइव देखने को मिलेगा। फैन कोड पर आप इस मैच को लाइव देख सकते हो। प्रीव्यू की अगर मैं बात करूं तो भैया आराम से तीनों के तीनों मैचेस सी साइड सीसी जीत कर आई है। और वताल सीसी की अगर मैं जनमित सीसी की बात करूं तो 2 मैचेस जीती हैं और 1 मैच इनका कंप्लीट नहीं हुआ है। यहां पर अगर मैं बात करूं तो हो सकता है कि भैया धीरे धीरे हमें यहां पर रेन देखने को मिले। पिच रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर अब बहुत ज़्यादा स्लो पिच हो चुकी है। अभी जो है रेन जो बहुत ज़्यादा हुई, अभी जो दूसरा मैच था आज के दिन का वहाँ पर, उसकी वजह से पिच और आउटफील्ड दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा तरीके से मतलब इफेक्ट हुए हैं और चौके छक्के मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है अब यहाँ पर। अब अगर मैं एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की बात करूँ तो 81 है। रिकॉर्ड ऑफ चेजिंग की अगर आप बात करो तो भैया 3 बार जो चेज करते हुए टीम जीती है, 1 बार यहाँ पर हारी है। वताल जनमित सीसी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो इनकी अपडेटेड प्लेइंग 11 आई थी वो ऐसी थी, अब्दुल हक हमारे पास थे, डब्ल्यू सैफी थे, फिर उसके बाद एम कोठारी थे, इमरान खान थे, सदीक हमारे पास थे, हमद हमारे पास थे, उसके बाद मोहम्मद थे, उसके बाद तैमूर खान थे, नियाज थे, उसके बाद फहाद हमारे पास थे और अबिद खान हमारे पास थे। यहाँ पर आप देखें तो भैया 2 मैचेस इनके कंप्लीट हुए, दोनों के दोनों मैचेस जीते। पहले दिन में 2 मैचेस इनके कंप्लीट हो गए थे। यहाँ पर नियाज मोहम्मद पहले मैच में नहीं खेले, दूसरे मैच में ओपन करा और साथ में ओवर भी करवाया अपनी टीम के लिए। फिर उसके बाद फहाद जफर हमारे पास है, 8 रन और 3 रन। महिबुल्ला कटोरी हमारे पास है, यहाँ पर अगर आप देखो तो भैया 11 रन इसने दूसरे मैच में बनाया, पहले मैच में खेला नहीं था। फिर उसके बाद सदीक रूबेल हमारे पास है, 12 रन और 3 रन। तैमूर खान हमारे पास है, 9 रन 25 रन के साथ 1 विकेट। फिर उसके बाद इमरान खान हमारे पास है, 12 रन। फिर उसके बाद डब्ल्यू सैफी हमारे पास है, 1 रन इसने बनाया है, दूसरे मैच में 0 रन कराए। फिर उसके बाद अगर आप बात करो तो एम अक्षरी हमारे पास है, 24 रन इसने मारे हैं पहले मैच में, दूसरे मैच में 0। फिर उसके बाद अब्दुल हक हमारे पास है, ये प्लेयर आपको बॉलिंग भी करवाता हुआ दिखेगा और बैटिंग भी आपको करता हुआ देगा। यहाँ पर 13 मैच और 3 विकेट, दूसरे मैच में 1 रन। फिर उसके बाद सिरजाद हमारे पास है, 3 विकेट और यहाँ पर दूसरे मैच में 1 विकेट। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो डब्ल्यू इलियास, 1 विकेट इसने चटकाई है। ई रियासी को अभी नहीं खिलाया गया और अभी भी जो अपडेटेड प्लेइंग 11 आई उसके अंदर भी ई रियासी नहीं थे, तो हो सकता है ये ना खेले। अगर खेलता तो हमारे लिए बहुत बढ़िया पिक रहेगा। यहाँ पर आप दोनों के दोनों मैचेस की बॉलिंग परफॉर्मेंस आप देख सकते हो इस टीम की। यहाँ पर अगर आप देखो तो एस सिरजाद 1 विकेट, उसके बाद टी खान 1 विकेट, यहाँ पर एन मोहम्मद 1 विकेट, डब्ल्यू इलियास 1 विकेट। यहाँ पर ये चारों के चारों प्लेयर्स विकेट लेकर गए हैं और यहाँ पर अब अगर आप देखो तो भैया 5 ही बॉलर्स इन्होंने यूज़ करें, यहाँ पर एटलीस्ट इन्होंने 6 बॉलर तो यूज़ करे थे, पर यहाँ पर जो हमारे पास 5 ही बॉलर यूज़ करे हैं। वताल जनमित की अगर आप स्टैट्स की बात करो तो ये पूरे के पूरे स्टैट्स हैं, आप देख सकते हो सारे के सारे प्लेयर्स के स्टैट्स। अब अगर मैं सी साइड सीसी की बात करूं तो भैया पहला जो दिन का मैच हुआ वो हुआ इनका ड्रॉ और इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से जीता। कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ भैया, कैसे जीता, गोल्डन बॉल से जीता है ना। गोल्डन बॉल के रूल मैं आपको वैसे पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, अगर नहीं पता लगे आपको तो वैसे कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके वहाँ पर ज़्यादा कुछ गोल्डन बॉल के पॉइंट्स जुड़े नहीं, गोल्डन बॉल के पॉइंट वैसे जोड़ भी नहीं रही है ड्रीम इलेवन की टीम, और वैसे भी पहला ही मैच हुआ है जहां पर हमें गोल्डन बॉल देखने को मिली है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं पहले 2 मैचेस की जो इनके हुए हैं तो यहाँ पर अगर आप देखो तो उमेर चौधरी हमारे पास है, यहाँ पर इन्होंने 0 और 44। तीसरे मैच में इन्हें खिलाया नहीं गया, ट्राई करेगा दूसरे प्लेयर्स और उन्होंने भी बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्मेंस करी है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो तीसरे मैच की प्लेइंग 11 आपको कुछ ज़्यादा ही अटपटी दिखेगी,
पर वही है, चेंज हमें देखने को मिल सकता है अभी की प्लेइंग 11 में। एम गुलामी हमारे पास है 33 और 55, फिर उसके बाद हिरेंदर हैं 9 और 5, फिर उसके बाद रूबल पाठक 39 और 5, जहूर शबीर हमारे पास हैं। ये प्लेयर आपको यार बॉलिंग करवाता हुआ दिखेगा, तीसरे मैच में इसने बॉलिंग करवाई है और बहुत बढ़िया तरीके से विकेट्स भी चटकाई हैं। तो यहाँ पर अगर आप लेकर जाओ तो इस प्लेयर को लेकर जा सकते हो, 2 विकेट इसने चटकाई हैं। आदित्य अरोड़ा हमारे पास हैं, ये आया है प्लेयर प्लेइंग 11 में। और यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर आप देखो आदित्य अरोड़ा ये आया है वापस। ए आरिफ हमारे पास वापस आता हुआ दिखा है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, एस मूर्ति हमारे पास आए हैं, तो चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। इब्राहिम खान हमारे पास थे ही, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एस मूर्ति, यहाँ पर 5 रन इसने दूसरे मैच में बनाए, तीसरे मैच में भी हमें खेलता हुआ दिखा। फिर उसके बाद उस्मान सरवार 2 विकेट और 1 विकेट, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो तीसरे मैच में उस्मान सरवार फिर दोबारा से 1 विकेट लेकर गया। उसके बाद हमारे पास शिव कुमार है, ओपन करवाएगा इससे। फिर उसके बाद जैद हुसैन से यहाँ पर मतलब तीसरे नंबर पर भेजा गया, इसने बहुत बढ़िया तरीके से बैटिंग करी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ए हुसैन हमारे पास है, ए हुसैन को नहीं खिलाएगा और यहाँ पर बॉलिंग भी नहीं करवाई गई है ए हुसैन से। तो यहाँ पर आपको चेंजेस दिखाई दे सकते हैं, हो सकता है प्लेइंग 11 में चेंजेस हों, तो आपको जो फाइनल अपडेट मिलेगा वो आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल आप वहाँ पर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहीं से आप जुड़ सकते हो। नीचे अगर आप देखो तो बॉलिंग 2 मैचेस की बहुत बढ़िया रही, दोनों ही मतलब दोनों मैचेस में टीम की बॉलिंग बहुत बढ़िया रही, और इसी ऐसी बॉलिंग हमें तीसरी मैच में भी देखने को मिली। पर चेंजेस हमें देखने को मिले तो उस चेंजेस के साथ जो अपडेटेड टीम थी वो अपडेट मैं आपको कर दूंगा। अगर प्लेइंग 11 में चेंजेस होते हैं तो अपडेटेड टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, नीचे आप जो है यहाँ पर पूरी की पूरी डिटेल देख सकते हैं। अभी जो है हम यहाँ पर टीम की बात डिस्कस कर लेते हैं। हिरेंदर अगर आप देखो तो तीनों के तीनों मैचेस ये प्लेयर खेला है। उसके बाद अगर ए जफ़ार की अगर हम बात करें तो ये जो है अभी अभी आया था तीसरे मैच में, जफ़ार को खिलाया गया। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एम कोठार करोठी हमारे पास है, उसके बाद डब्ल्यू सैफी हमारे पास है, डब्ल्यू सैफी का ऑप्शन हमारे पास ज़्यादा सेफ़ रहेगा। उसके बाद हिरेंदर अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो, वैसे चौथे या तीसरे नंबर पर ही आ रहे हैं बैटिंग करने। बैटिंग में हमारे पास यू चौधरी अगर खेलता है तो बढ़िया प्लेयर, फिर उसके बाद आर पाठक हमारे पास रहेगा। आर पाठक भी अगर खेलता है तो बढ़िया प्लेयर, क्योंकि यहाँ पर SSD ना बहुत ज़्यादा चेंजेस करें तीसरे मैच में, तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो दूसरे मैच में तीसरे मैच में तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो भैया थोड़े बहुत मतलब प्लेइंग 11 में आपको अपडेट दिखेगा और उस हिसाब से आपको टीम भी अपडेट दिखेगी। टीम अपडेट आपको मिल जाएगी टेलीग्राम कर। एम एक्सरी हमारे पास हैं, टी खान है, एम गुलामी है। फिर उसके बाद हमें जो है यहाँ पर एस गंगावर खेलते हुए दिखे, और ये प्लेयर इस प्लेयर ने करा ओपन और यहाँ पर 2 रन पर ही आउट हुआ। फिर उसके बाद ये हक की अगर मैं बात करूँ तो ये प्लेयर हमारे लिए बहुत बढ़िया है। उसके बाद डब्ल्यू इलियास हमारे पास हैं, उसके बाद अगर आप देखो तो एफ ओमिर हमें ओपन करता हुआ दिखेगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जेड हुसैन हमारे पास हैं, ए आरिफ हमारे पास हमें खेलते हुए दिख सकते हैं, एंड मोहम्मद है, एस मूर्ति हमें खेलते हुए दिखा, इसे बॉलिंग भी करवाएगी, बहुत बढ़िया तरीके से बॉलिंग भी करी इसने, 1 ओवर 4 रन दिए। फिर उसके बाद जेड शबीर हमारे पास हैं, ये प्लेयर भी हमारे पास बढ़िया इंपॉर्टेंट रह सकता है। बॉलिंग ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ, एस सिरजाद हमारे पास हैं, ए हुसैन अगर खिलाया जाता तो बढ़िया, नहीं तो नहीं खिलाया जाएगा। ई राइसी भी नहीं खिलाया जा रहा है, पर वही है जितने जिनके ज़्यादा पॉइंट्स हैं, जिनने ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करा वो प्लेयर्स को पता नहीं रेस्ट दे दिया गया है। यू सरवार की अगर मैं बात करूँ तो ये प्लेयर हमारे पास अवेलेबल रहेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नीचे अगर आप देखो तो भैया ज़्यादा प्लेयर आपके पास अवेलेबल ही नहीं है। ए अरोड़ा अगर खेलता है तो इस प्लेयर को आप पिक कर लो, क्योंकि ई रियासी के खेलने के बहुत कम चांसेस हैं, तो ए अरोड़ा हम यहाँ पर पिक कर सकते हैं। अपडेटेड टीम आपको सीधी सीधी बात है टेलीग्राम पर मिल जाएगी, नीचे लिंक मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल का, वहीं से आपको ज्वाइन होना है। पहली टीम की अगर मैं बात करूँ, डब्ल्यू सैफी, टी खान, आर पाठक, फिर उसके बाद एम गुलामी, कप्तान जो रखे हैं एक्स एस मूर्ति, जेड हुसैन, फिर उसके बाद जेड सबीर एज अ वाइस कप्तान, एस सिरजाद, ई राइसी और उसके बाद यू सरवार, ये पूरी की पूरी टीम हमारे लिए स्मॉल लीग फेवरेबल है। हेड टू हेड में हमें बहुत बढ़िया परफॉर्म करती हुई दिखेगी। दूसरी टीम की अगर मैं बात करूँ, स्मॉल ग्रैंड लीग में आप इस टीम को यूज़ कर सकते हो। एस जेड सबीर एज अ कप्तान, वाइस कप्तान अगर आप देखो तो भैया एस सिरजाद, ई रियासी, ए हुसैन, यू सरवार, जेड हुसैन, फिर उसके बाद ए हक, टी खान, उसके बाद एम गुलामी, यू चौधरी और डब्ल्यू हुसैन, डब्ल्यू सैफी, ये पूरी की पूरी टीम हमारे लिए स्मॉल ग्रैंड लीग फेवरेबल है। स्मॉल ग्रैंड लीग में हमें बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हुए दिखेगी। तीसरी और आखिरी टीम की अगर मैं बात करूँ, जेड सबीर एज अ कप्तान रखे हैं, टी खान एज अ वाइस कप्तान रखे हैं, एच होरंकर रखे हैं, फिर उसके बाद एम अक्षरी रखे हैं, एम गुलामी रखे हैं, यू चौधरी हैं, ए हक हैं, एन मोहम्मद हैं, सिरजाद हैं, यू सरवार हैं और ए अरोड़ा हैं, ये हमारे लिए ग्रैंड लीग फेवरेबल टीम रहेगी। अपडेटेड टीम आपको कहाँ मिलेगी? अपडेटेड टीम मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ही आपको सारे के सारे अपडेट मिलने वाले हैं। अगर कोई प्लेयर आता है या नहीं आता है तो वो सारे के सारे अपडेट ग्रैंड लीग, स्मॉल लीग और स्मॉल ग्रैंड लीग की टीम भी आपको
टेलीग्राम चैनल पर ही मिलने वाली है, तो अभी जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेगी आपके लिए इस चैनल पर।